subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजा माणूस हा दिलदार लख लखती नंगी तलवार अपना राजा राजा माणूस हा दिलदार लख लखती नंगी तलवार अपना राजा। टीपू सुलतान यांना विलन ठरविण्याचे षडयंत्र आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असा करारा जवाब देत टीपू सुलतान हे खरे देशभक्त हिंदू मुस्लिम ऐक्यवादी आणि देशाचे डायमंड हिरो आहेत असे प्रतिपादन पीआरपी प्रदेश अध्यक्ष तथा कामगार नेते जगन सोनोने यांनी टीपू सुलतान जयंती उत्सव कार्यक्रम प्रसंगी केले। फैजपूर शहरामध्ये गेल्या 5 वर्षांपासून कांदेची मुलुक मैदानी तोफ जगन सोनोने यांच्या नेतृत्वात विविध 10 संघटनांतर्फे टीपू सुलतान यांची जयंती साजरी करण्यात येत असून यंदाही दिनांक 20 नोव्हेंबर रोजी फैजपूर येथील नेताजी सुभाष चौक येथे टीपू सुलतान यांची जयंती साजरा करण्यात आली। यावेळी अभिवादन सभेमध्ये बोलताना महामंत्री जगन सोनोने यांनी टीपू सुलतान हे खरे देशभक्त असून त्यांनी देशासाठी आपले रक्त सांडविले आहे। त्यांनी कधीही मंदिरे लुटली नाहीत, या उलट त्यांनी 156 मंदिरांना दान आणि जमिनी दिल्या आहे। ते हिंदू मुस्लिम ऐक्यवादी होते, त्यासाठी आपल्याला आपला दूषित दृष्टिकोन बदलण्याची नितांत गरज असल्याचे महामंत्री जगन सोनोने यांनी सांगितले। या जयंती कार्यक्रमाप्रसंगी कार्यक्रमाचे प्रमुख आयोजक भारतीय टिपू सेना नेते आरिफ शेख, श्री छत्रपती सेना जिल्हा प्रमुख गोपी साळी, पीआरपी उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख राकेश बगन, नगरसेवक कुर्बान, नगरसेवक कलीम जलील शेख, नगरसेवक प्रभाकर सपकाळे, एनसीपी युवा प्रमुख अनवर खाटिक, अशोक भालेराव यांसह मोठ्या संख्येने हिंदू मुस्लिम बांधवांची उपस्थिती होती। यावेळी महामंत्री जगन सोनोने यांनी आयबीएन न्यूज महाराष्ट्र लाइव्ह वरती संवाद साधताना खानदेशात टीपू जयंती गेल्या 5 वर्षांपासून साजरी करण्याचे दीप मी लावले असून आता हे दीप राज्यात आणि त्यानंतर देशात लावत टीपू सैनिकांची देशभक्त चळवळ उभी राहील। टीपू सैनिक म्हणजे देशभक्त सैनिक असून त्यांनी देशासाठी कुर्बानी दिली आहे। देशात जर सर्व महापुरुषांची जयंती साजरी केली जाते मग देशभक्त टीपू यांच्या जयंती उत्सवाला विरोध का असा प्रश्न उपस्थित करत टीपू यांना विलन ठरविण्याचे षडयंत्र आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही असे म्हणत आपली टीपू जयंती यावरती अजून धूमधडाक्यात साजरी करू अशा प्रतिक्रिया जगन सोनोने यांनी यावेळी व्यक्त केल्या आहे। महान देशभक्त शेख टीपू सुलतान इनकी जयंती की सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज हमने यहाँ पर फैजपुर के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गए 5 साल से महान देशभक्त शेख टीपू सुल्तान सेना इनके माध्यम से जयंती मनाने का काम शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि महान देशभक्त शेख टीपू सुल्तान इन्होंने देश के लिए अपना खून बहा दिया। इतना ही नहीं तो हिंदू 400 महिलाओं को उनके हाथों से हाथ में राखी बांध करके टीपू सुल्तान इन्होंने हिंदू और मुसलमान एकता का पैगाम दिया। इतना ही नहीं, हिंदू और मुसलमानों के अंदर भाईचारा बढ़ना चाहिए, इसलिए टीपू सुल्तान इन्होंने यहाँ पर 156 जो मंदिर है हमारे, ऐसे 156 मंदिरों को यहाँ पर उन्होंने जमीन और दान दक्षिणा दे करके यहाँ पर मदद किया। और कांची का जो हमारा मंदिर है वो मंदिरों को भी इन्होंने 10,000 सोने के सिक्के दे करके उनको भी यहाँ पर मदद किया। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान ये हिंदुओं के मित्र थे, हिंदुओं के दोस्त थे, मगर इस देश के अंदर षड्यंत्र के तहत कुछ मुट्ठी भर लोग जानबूझ करके टीपू सुल्तान ये हिंदू विरोधी थे, इस तरीके से उनकी प्रतिमा मलिन करने का काम, विकृतिकरण करने का काम इस देश में चल रहा है। इसलिए हमने कहा कि टीपू सुल्तान ये जिन्होंने अपना देश के लिए अपना खून बहा दिया, देश के लिए खून बहाने वाले की कोई जात पात धर्म नहीं होता है, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो देश के लिए मर मिटते हैं और वो देशभक्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, टीपू सुल्तान ये हिंदू विरोधी नहीं थे, ये सारी बातें आपको मालूम है। हिंदू विरोधी नहीं थे, हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने इस देश के अंदर जो बड़े पैमाने के ऊपर अपने भारत देश के अंदर
अपना खून बहा करके भारत देश को आजादी मिला करके दिया। ऐसे टीपू सुल्तान इनको इनकी प्रतिमा मलिन करने का काम इस देश में शुरू हो रहा है, मगर टीपू सुल्तान को विलन बनाने का जो काम चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा वो विलन नहीं है, वो तो इस देश के डायमंड हीरो है, वो नायक है। इसलिए हमने टीपू सुल्तान बनाने का काम शुरू किया है, हिंदू मुसलमान एकता बनाने का काम हमने शुरू किया है, और टीपू सुल्तान के माध्यम से हमने यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर ये काम शुरू कर दिया है। भारतीय संविधान बचाओ सेना, भारतीय ओडोसम क्रांति थ्री छत्रपति सेना और पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से जयंती यहाँ पर धूमधाम से मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमें भारतीय टीपू सुल्तान सेना के माध्यम से देशभक्त जो बड़े पैमाने के ऊपर जो टीपू सैनिक है, टीपू सैनिक का मतलब होता है देशभक्त होना, क्योंकि टीपू सैनिक यानी महान देशभक्त शेख टीपू सुल्तान, इन्होंने देश के लिए अपना खून बहा दिया, जान दिया। और ऐसे टीपू सुल्तान के जो भी टीपू सैनिक है, इनकी देशभक्त मूवमेंट, ये देशभक्त लोगों की एक टीम और ऐसा संगठन इस देश के अंदर हमको तैयार करके देश के ऊपर निछावर होने वाले टीपू सैनिक जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करेंगे, जो यहाँ पर भारत को एकता एकात्मता अखंडता भाईचारा और इस देश के 135 करोड़ जनता को लेकर के चलेंगे, ऐसी तरीके से हमको टीपू सैनिक जो देशभक्त रहेंगे, ऐसी लोगों को हमको इकट्ठा करके इस देश को बलवान और शक्तिशाली बनाना है। नवीन घर बांधकाम केले आहे किंवा आपल्या जुन्या घराला कलर देऊन नवीन घर बनवायचे असेल तर आपल्या सर्वांच्याच विश्वासातील एकमेव ठिकाण म्हणजे आई सप्तशृंगी पेंटर हाऊस होय। आमच्याकडे वॉल स्टिकर, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल डेकोरेटिंग, वॉल पेंटिंग इफेक्ट व सर्व प्रकारचे पेंटिंग, पेंट डेकोरेटिंग, वॉल टेम पेंटिंग, स्पंज रोलर व पेंटिंग ची सर्व प्रकारची कामे करून मिळतील आणि तेही एका पेंटर हाऊस मध्ये। तर आमचे नाव नेहमी लक्षात असू द्या, आई सप्तशृंगी पेंटर हाऊस। आमचा पत्ता आहे मेन रोड साकेगाव, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव। चला तर मग आपल्या स्वप्नातील घर रंगूया आणि त्वरित संपर्क करूया। अधिक माहिती करता आमचा संपर्क क्रमांक आहे 98 50 35 45 59 86 98 30 54 37। शहरातील विश्वसनीय आणि सर्वोत्तम शिक्षण देणारी संस्था म्हणजे राजपथ कोचिंग क्लासेस होय। इयत्ता 5वी ते 12वीचे सीबीएसई व स्टेट बोर्डचे शिक्षण लॉकडाऊन कालावधीमध्ये ऍप्लिकेशनद्वारे ऑनलाइन क्लासेसला सुरुवात। प्रत्येक बॅच मध्ये केवळ 20 विद्यार्थ्यांचा समावेश। बोर्ड एग्जाम नुसार प्रोएक्टिव टेस्टची सीरीज। सर्व सुविधांनी सुसज्ज आणि स्वच्छ असे वातावरण। यासाठी आजच कॉल किंवा मेसेज करून आपल्या पाल्याचा सुरक्षित अशा राजपथ क्लासेसला प्रवेश निश्चित करा।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.